मंत्रिमंडल में मेरे साथी बाला बच्चन जी, जीतू पटवारी जी, सचिन यादव जी, तुलसी सिलावट जी, शोभा ओझा जी, नरेंद्र सलूजा जी, अंतर सिंह दरबार जी, सदाशिव यादव जी, विनय बाकरीवाल जी, विशाल पटेल जी, हमारे प्रमोद टंडन जी, कांग्रेस में शामिल अभी जो हुए और अपने साथी बने शेख अलीम और शंकर यादव जी, शंकर यादव जी और शेख अलीम जी, उस्मान पटेल, उस्मान पटेल, उस्मान पटेल, सही बात है। इन्होंने इन्होंने ये कांग्रेस में तो शामिल हुए, पर सबसे बड़ी बात है इन्होंने सच्चाई पहचान के सच्चाई का साथ दिया है। ये सच्चाई के साथ ही है हमारे मनोज चौधरी जी, कुणाल चौधरी जी, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों, बहुत बहुत खुशी हुई राव आकर। राव तो एक ऐसी नगरी है जो जोश और उत्साह और मानवता का प्रतीक है। बहुत बहुत खुशी हुई आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, आपने मेरा भी उत्साह बढ़ाया, मुझे भी आपने बल और शक्ति दी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दिल्ली में हुए अभी हाल में दंगे में जिनकी मौत हुई, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। बड़ी दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है, केवल दुख की बात नहीं है पर साथ साथ चिंता की बात है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति को यह ठेस पहुंच रही है, हमारे देश की संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, समाज को, हर समाज को जोड़ के रखते हैं, यही भारत की संस्कृति है। ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जहां इतने धर्म हुए, जहां इतनी जातियां हुए, जहां इतनी भाषाएं हुए, ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जहां इतने त्योहार हुए, जहां इतनी विभिन्नता। हमारा पजामा और लुंगी भी, पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है जब हम दक्षिण जाते हैं, ये हमारी विभिन्नता है। और अपना पूरा देश जो एक झंडे के नीचे खड़ा है, यह हमारी संस्कृति है। और जब हमारी संस्कृति की नींव हलाने का प्रयास किया जाता है, हमें यह चित्र पहचानना है। मैं तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कहीं के भी होए, कैसे भी होए, याद रखिएगा कि देश और देश की संस्कृति के रक्षक आप हैं। तो आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी को बधाई देना चाहता हूं। आपके साथ तो बड़े भाई बंदी करते हैं, पर मेरे साथ बहुत झगड़ा करते हैं अपने क्षेत्र के लिए। और मैं तो जब इन्होंने मुझे आमंत्रित किया राव आने के लिए, मैंने जीतू पटवारी को कहा कि राव को मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है, राव को तो जीतू पटवारी की आवश्यकता है। चौदह महीने पहले 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, 2.5 महीने गए आचार संहिता में और लोकसभा चुनाव में, लगभग 11.5 महीने बचे थे। और इन 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। हमने जब कांग्रेस की सरकार बनी 25 दिसंबर को 2018 को, कौन सी चुनौती नहीं थी, तिजोरी खाली थी। ये तो भाजपा वाले कहते थे कि तिजोरी खाली है, कुछ नहीं हो पाएगा। और कैसा प्रदेश सौंपा हमें, किसानों की आत्महत्या में देश भर में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, हमारी माताओं और बहनों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1,
ऐसा प्रदेश हमें सौंपा और इतनी बड़ी चुनौती, मध्य प्रदेश में 70% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। जो किराने की दुकान है हमारे राव के गांव में, वो किराने की दुकान चलती है जब किसानों के पास खरीदने की ताकत होती है। हमारे ब्लॉक और तहसील में व्यापार चलता है, छोटी मोटी दो दुकानें हैं, व्यापार चलता है जब किसानों के हाथ में क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। पर आज क्या हालात है, क्या हालात थे कि आज आर्थिक रूप से पिटा हुआ किसान, उसका जन्म कर्जे में होता है, मौत कर्जे में होती है, न्याय नहीं होता, सही मूल्य नहीं मिलता। ये हालात, ये हमारे सामने चुनौती है। 70% लोग, अगर इंदौर का बाजार चलता है या दिल्ली और बंबई से लोग खरीदने नहीं आते, ये खरीदने आते हैं क्योंकि आर्थिक गतिविधि मध्य प्रदेश की है। हमारा कृषि क्षेत्र ये आर्थिक गतिविधि बनाता है, इसलिए ये इंदौर के बाजार में रोशनी है। और इस आर्थिक गतिविधि को कैसे बढ़ाया जाए, हम अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति कैसे लाएं कि किसानों की आर्थिक मजबूती बने। हमने कर्जा माफ की तो बात आपने सुन ली, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। हमने वचन दिया था, हम वचन पूरा करेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। पहली किस्त हो गई, दूसरी किस्त चल रही है, तीसरी किस्त भी आएगी। हमने जो वचन दिया था कि हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे, हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे। पर सबसे बड़ी चिंता मुझे आज के नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान, इसकी दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर आज का नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है, आज के नौजवान में अपनी सोच है, आप आज के नौजवान का अपना नजरिया है। आज का जो बेरोजगार नौजवान है, जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा, हमारे देश का निर्माण करेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे नौजवान में तड़फ है, उसको तड़फ कोई ठेके की नहीं है, कोई कमीशन की नहीं है। आज के नौजवान को तड़फ तो व्यवसाय का मौका मिले, उसके हाथों को काम मिले, ये उसकी तड़फ है। और पिछले 15 सालों में दित्ते उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग तो बंद हो गए। मेरा प्रयास है कि एक नया विश्वास मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश की एक पहचान बने पूरे देश भर में। आप जहां जाएं, अगर आप तमिलनाडु कर्नाटक जाएं, आप अपनी छाती ठोक कर कहें हम मध्य प्रदेश से आए हैं, हम इंदौर से आए हैं, हम राव से आए हैं। एक पहचान बने, हमारा प्रोफाइल बदले, ये मेरा प्रयास है। निवेश तो तब आएगा जब लोगों को विश्वास हो इस प्रदेश में, लोगों को मध्य प्रदेश की पहचान हो, और ये प्रोफाइल हमें बदलना है। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती, और ये हमने अपना कार्य शुरू किया है। माफिया के खिलाफ युद्ध चलता रहेगा, कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता, कोई पटा नहीं सकता। ये पहचान हमने बदलनी है, मध्य प्रदेश की पहचान भोपाल के गैस त्रासदी से नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की पहचान उसकी सरल स्वभाव की, भोली भाली जनता की, मेहनती जनता से होनी चाहिए। और यही हमारा लक्ष्य है कि हम अपने नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखें, हम नौजवानों का भविष्य उज्जवल बनाए, आर्थिक गतिविधि बने। एक उद्योग लगता है, कितनी गाड़ियां लगती हैं, कोई कुछ काम कर लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, किसी की गाड़ी लग जाती है, ट्रक लग जाती है, ट्रैक्टर लग जाता है। ये आज शिलान्यास या उद्घाटन हुआ है, ये केवल भवन का नहीं है, इसका मायने क्या है आप सबको समझनी है, आप समझते नहीं है। इसका मायने है कि इतना निवेश राव में आएगा, ये निवेश आ रहा है आपके यहां। जब सड़क बनती है, आवागमन की सुविधा तो हो जाती है,
पर वो निवेश भी तो आता है, गिट्टी अपनी, मिट्टी अपनी, रोलर अपना, मजदूरी अपनी, इससे आर्थिक गतिविधि बनती है। और आज जो ये शिलान्यास हुआ है, आज जो ये कार्य की शुरुआत होने जा रही है, ये नया निवेश हमारे राव में आएगा और इससे जो आर्थिक गतिविधि बनेगी, हमारे राव के नौजवान, हमारे इंदौर के नौजवानों को कुछ मौका बनेगा। तो आज आर्थिक गतिविधि, औद्योगिकरण होगा, ये योजनाएं आएंगी, ये निवेश आएगा, इससे ही हमारा भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। बड़ी दुख की बात है, आप 15, मैं तो घोषणा करता नहीं, मध्य प्रदेश के लोगों का तो पेट भर गया है 15 साल घोषणाएं सुनते सुनते। तो मैंने तो कहा था मैं घोषणा नहीं करूंगा, मैं कोई घोषणा नहीं करता, तालियां बज जाती हैं घोषणा पर, मैं तालियों की खोज में नहीं हूं, मैं उस खोज में हूं कि तालियां आप अपने दिल से जब देख ले आप तालियां बनाएं। अगर मेट्रो का काम शुरू हो रहा है, बड़ी तेजी से चलेगा, ये बड़ी तेजी से चलेगा, कोई घोषणा नहीं करी थी मैंने, आज भी नहीं कह रहा, बस केवल यही कह रहा हूं बड़ी तेजी से चलेगा मेट्रो का काम। और मेट्रो का ये इन्वेस्टमेंट है, लोगों को सुविधा होगी आने जाने की, पर साथ साथ जो काम होगा, कई पेंटिंग का काम कर लेंगे, तरह तरह का काम कर लेंगे, ये मेरा लक्ष्य है। तो मैं, मुझे इस बात का दुख है कि आज मोदी जी की बात सुनकर, मोदी जी आपको याद है क्या क्या कहते थे, मैं उनमें नहीं जा रहा था, वो तो पुरानी बातें हो गई, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, 15 लाख, तरह तरह की बातें कही थी, याद है आपको? आज मोदी जी क्या नौजवानों की बात करते हैं? मुझे बताएं, आपने पिछले साल भर में सुना है मोदी जी नौजवानों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, आज मोदी जी नौजवानों की बात नहीं करते, आज किसानों की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, अर्थव्यवस्था ठप होने वाली है, किसकी बात करते हैं? पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोदी जी ठीक है हम सब पाकिस्तान का मुकाबला करने को तैयार हैं, पर नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा तभी तो पाकिस्तान को हम हटा पाएंगे, पाकिस्तान के साथ हम सामना कर पाएंगे। मोदी जी किसानों की बात नहीं करते, किसकी बात करेंगे? राष्ट्रवाद की बात करेंगे। राष्ट्रवाद की बात मोदी जी के मुंह से सुननी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि एक नाम बता दे जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी उनके पार्टी में रहा हुआ हो, एक नाम नहीं बता पाएंगे। और ये पाठ पढ़ाएंगे कांग्रेस को राष्ट्रवाद का, कैसी कलाकारी है, कैसी कलाकारी है, कैसे ध्यान मोड़ने की राजनीति है। नौजवानों सच्चाई पहचान लेना। अभी हमारे 2 साथियों ने कांग्रेस में प्रवेश किया, सच्चाई पहचानी इन्होंने, सच्चाई का साथ देने आए हैं। कांग्रेस का साथ तो बाद में देंगे, पर सबसे पहले सच्चाई का साथ ये देने आए हैं, यही मैं इनको बधाई देता हूं। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये उदाहरण है सच्चाई पहचानने में, ये 2 उदाहरण है हमारे सामने जिन्होंने सच्चाई पहचानी है, और भी आएंगे, और भी आएंगे, सच्चाई पहचानेंगे, अपने भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को सुरक्षित रखेगी। हम गुमराह नहीं होना चाहते, ये कलाकारी की राजनीति को हम पहचानते हैं। आपको पहचानना है कि किस प्रकार से ये आज, कभी CAA की बात, मैं तो सीधी बात पूछना चाहता हूं, ये CAA है क्या? बहुतों को समझ नहीं आता, सामने बैठे वाले लोगों को नहीं समझ आता, पीछे बैठे वाले लोगों को भी बहुतों को नहीं समझ आता, छोड़िए क्या CAA है, मैं तो एक ही बात पूछता हूं कि क्या आफत थी, क्या कोई वॉर हो रही है, क्या कोई रेफ्यूजी आ रहे हैं, कोई रेफ्यूजी घुस रहे हैं अपने देश में,
कोई वार हो रही है? आपने 12 बजे रात तक लोकसभा को में बहस करके इसे पास किया, ये विवाद पहने की क्यों आवश्यकता थी? अगर किसी को 1% भी भ्रम है, जहां आवश्यकता नहीं है, कोई आफत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो किस लिए आप इस चक्कर में पड़ रहे हैं? क्योंकि पहचान लीजिए इन्हें, इनका क्या लक्ष्य है। और इसी से मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमारे प्रदेश की जनता पहचान रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है? हमारा सोच का अंतर है। जब हम सोचते हैं, हम किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, अपने आदिवासी भाइयों के बारे में सोचते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सोचती है, बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े उद्योगों के बारे में सोचती है। ये अंतर है, सोच का अंतर है, और यही सोच का अंतर आपको पहचानना है। मुझे पूरा विश्वास है कि राव में बहुत जागरूकता है, राव में बहुत जागरूकता है। आप केवल सच्चाई अपनाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पर दूसरों को भी सच्चाई समझाएंगे। और अगर हम सब मिलकर इस पर जुट गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम मध्य प्रदेश का एक नया इतिहास बनाएंगे। आपके दिए हुए बल और शक्ति से हम नौजवानों का भविष्य उज्जवल करेंगे। हम अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे और अपने प्रदेश की नई पहचान बना के, ये आईफा आ जाएगा, चला जाएगा, ये सब हो जाएगा, पर अंत में तो मध्य प्रदेश की आन, मध्य प्रदेश की शान बढ़ेगी। ये हमारा लक्ष्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे अनुरोध करूंगी कि हम कृषि के क्षेत्र में शुभ लाभ ऐप का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, और जिला प्रशासन का ये अभिनव प्रयास रहा है, और इस जिला प्रशासन इंदौर का नवाचार शुभ लाभ ऐप जो हर